सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड विद थ्री फ्रेंड्स। और गाइस, मैं अकेला हूँ और मैं आपको सिखाने वाला हूँ दूसरा एनिमेशन। ठीक है, ये हमारा दूसरा एनिमेशन होने वाला है जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैं और दी साथ में तेज बोला मैं अकेला हूँ। ठीक है, तो गाइस हर रोज तो पॉसिबल नहीं होता कि हम आ पाए। ठीक है, अब वैसे भी हमारी एग्ज़ाम शुरू होने वाली, तो हमें उसकी भी प्रिपरेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि हम हर रोज़ मिले, बट पॉसिबल हम जितना हो पाए उतना करेंगे। वैसे गाइस इस बात को छोड़ देते हैं और चलिए हम अपनी कोडिंग में घुसते हैं। तो गाइस, अब आपने हमारा पहले एनिमेशन तो नहीं देखा होगा, तो अगर आप हमारे चैनल में जाओगे तो आपको इससे पहले की वीडियो आपको मिल जाएगी। उसमें हमारा एनिमेशन था, तो ये एनिमेशन टू है, उसका दूसरा मतलब उसके जैसा ही है बट दूसरा पार्ट जैसा है। ठीक है, तो गाइज अभी आपको पहले जो हमने लास्ट वीडियो में आपको पता है हमने कैसे किया था, डार्क बैकड्रॉप लिया था ब्लैक कलर का ताकि वो कलर्स सारे दिखे। ठीक है, तो आपको फिर से अब वही करना है, कन्वर्ट टू बिट मैप करके ये करके कन्वर्ट टू वेक्टर करके वापस से माउस पॉइंटर ले लेना। अभी आपको कोड में जाके ड्रॉ अ स्प्राइट मतलब पेंट अ स्प्राइट में जाके ये क्लिक करना है, और इधर आपको पेंट ब्रश ले लेना है, और इसमें आपको इसका जो नंबर है उसको आपको 27-26 आप कर सकते हो आपको जो पसंद है, और कलर आपको कोई भी रख सकते हो, मैं रेड रख रहा हूँ। ठीक है, ये हमने मैंने रेड ले लिया। तो गाइज लास्ट टाइम जैसे हमें करना है एक सर्कल बना देना है, फटाफट आपको एग्जाम के लिए एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ, फिर आप अब फिर मैं वीडियो वो करके फटाफट से बना दूँगा ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना। इसको ये करके इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देनी है, ऐसा आपको करना है। सॉरी, आपको सीधी लाइन लेनी है, आपको तो ऐसे टेढ़ी लेनी है, इसे टेढ़ी टेढ़ी लेनी है, ये जैसा मैं ले रही हूँ। ठीक है, सबको टेढ़ी ले लेनी है। तो गाइस मैं फटाफट से इन सबको ख़त्म करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है गाइस, सो गाइस मैंने 5-10 मिनट ली इसको पूरा करने के लिए और मैंने यहाँ बना दिया इसको। ठीक है, इस तो भी हम फटाफट से बिना किसी तरीके कोडिंग शुरू करते हैं। आई नो कि ये आप सबका फेवरेट पार्ट होगा कोडिंग, आई होप्स हो, क्योंकि डिज़ाइनिंग करना तो इतना पसंद नहीं आता, मुझे भी इवन पसंद नहीं आता, बट कोडिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो पहले आपको वेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड वाला ब्लॉक लेना है, ये वाला। अब आपको लेना है इवेंट्स में जाके फॉरएवर। अब फॉरएवर के अंदर आपको डालना है गो टू पोजीशन एक्स एंड वाई, ये, और आपको वाई वाले में -100 यानी कि ये जो पोजीशन है वही रहने देनी है आपकी, मतलब चेंज नहीं करनी। और हाँ, अगर आपका सर्कल इधर कहीं पे बना हो इधर कहीं पे तो आपको इधर ला देना है, वरना स्टार्टिंग में सब उर्द गुचला पुचला हो जाएगा पूरा, ऐसे वो फ्रेम से बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अभी आपको ऑपरेटर्स में जाके लेना है ये वाला ब्लॉक, ये मल्टीप्लाइड बाई, और पहले वाले में आपको डाल देना है 160। ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसमें आपको डाल देना है ये वाला, ये ABS ऑफ, और इधर आपको SIN कर देना है। इसको आप सिन अब ऐसा कुछ नहीं कहते, SIN ABS ऐसा आप कहते हैं। ठीक है, और इधर आपको जो ये जो आपको इधर है इधर आपको डाल देना है वापस से वो मल्टीप्लाई वाला, ये मल्टीप्लाई वाला वापस से डाल देना है, और पहले वाले में आपको डाल देना है 80, और दूसरे वाला आपको डाल देना है टाइमर। ठीक है, और टाइमर सेंसिंग में होगा, ये रहा टाइमर वाला वेरिएबल जैसा जो भी होता है। ठीक है, वेरिएबल तो नहीं कहूँगा बट ऐसा मतलब सर्कल वाला, इसका मुझे इसका परफेक्ट नाम ही नहीं पता। और इधर आपको डाल देना है मोशन में भी पॉइंट एंड डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो सर्कल जैसा है 90 जहाँ पे लिखा है उधर हमें वापस से ये जैसा हमने डाला था अभी वैसा ही डाल देना है। ये पहले लेना है, उसके अंदर हमें ये डालना है ABS ऑफ दूसरे वाले में, पहले वाले में हमें
इस बार पहले वाले में हमें 20 डालना है और दूसरे वाले में ABS की जगह COS कर देना है। और इधर वापस समय ले लेना है ये वाला मल्टीप्लाइड बाय, और दूसरे वाले में सेंसिंग का टाइमर और पहले वाले में 80 अभी आपको ले लेना है। अभी आपको ले लेना है चेंज कलर इफेक्ट बाय, चेंज कलर इफेक्ट बाय कलर को कलर ही रहने देना है और इफेक्ट को आपको 2 कर देना है 25 की जगह। और इधर अभी आपको ले लेना है क्रिएट क्लोन ऑफ माइसेल्फ, ये क्रिएट क्लोन ऑफ माइसेल्फ को माइसेल्फ ही रहने देना है। अभी आपको नया कोड शुरू करना है। अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि क्रिएट क्लोन ऑफ माइसेल्फ, तो माइसेल्फ का क्लोन क्रिएट हो जाए फिर क्या होना है भाई, तो भी उसका कोड आएगा व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन रिपीट 100 टाइम्स, ठीक है रिपीट 100 टाइम्स, यहाँ पे आपको 100 कर देना है। और ये जो बीच की स्पेस है उसमें आपको डाल देना है, पहले तो आपको लेना है चेंज वाई बाई ये वाला, और इधर आपको 10 को कर देना है 2 कर देना है। और अभी आपको लेना है टर्न लेफ्ट ये 15 डिग्रीज, और 15 में आपको डाल देना है स्लैश ये स्लैश वाला, और ये जो पहला है उसमें आपको एक्सपोजिशन डालनी है, एक्सपोजिशन वाला जो ये आता है ना ये डाल देना है, और दूसरे वाले में आपको नंबर डालना है जो कि है 100। और अभी आपको लास्ट ब्लॉक लेना है इसका, इसकी कोडिंग बहुत कम होती है गाइस, ये जो वो एनिमेशन होते हैं ये वाले सारे लूप वाले, ठीक है। इधर आपको डाल लेना है चेंज कलर इफेक्ट वाई, बट कलर को आपको घोस्ट इफेक्ट डाल देना है। घोस्ट इफेक्ट में क्या होता है, मतलब ऐसे उसकी ट्रेल छूट जाती है, मतलब ऐसा नहीं होता, हमने एक मेरे फ्रेंड कहान ने एक वीडियो डाला था जिसमें उसको माउस ट्रेल माउस पॉइंटर ट्रेल होती है, वैसा ही होता है, बट ये एक ही कलर का होता है, ठीक है। इधर आपको 2 कर देना है, सॉरी 1 और अभी हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं, ये देखो इतना मस्त हो रहा है। ये आपका बीच बीच में मेरा तो लैग होता है पता नहीं क्यों, ठीक है गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, लव यू गाइस। मेरी